भैया सामने सर जाइए भैया। इधर से हट जाइए, इधर से हट जाइए, इधर से इधर से हट जाइए, इधर से हटिए, इधर से हटिए, इधर से सर। अरे वीडियो नहीं आ रहा है, अरे हटिए ना आप सामने से। अरे भाई नहीं आ रहा है तो आप ही का बना है, पीछे खड़ा होकर बनाया, ऐसे थोड़े होता है। आगे ऐसे लग रहा है कि बड़का ही है। जी हट जाए सामने से, देखिए जिस तरीके से पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट होकर हर कार्य को मजबूती से हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इसी का परिणाम है कि अभी उपचुनाव में आपने देखा 100% स्ट्राइक रेट एनडीए गठबंधन का रहा। 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और चारों की चारों सीटें एनडीए के घटक दलों ने जीतने का काम किया। इसके पीछे का कारण ही यही है कि जिस तरीके से एनडीए का हर एक घटक दल एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर मजबूती से आगे बढ़ने का कार्य करा। आज ये मेरी पार्टी का स्थापना दिवस था, पर उसके बावजूद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी आए, सम्राट भाई आए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी यहाँ पर आए, विभिन्न और उनकी पार्टी के मंत्री यहाँ पर आए, जनता दल यूनाइटेड से और हमारे एनडीए गठबंधन के प्रदेश में नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के तमाम साथी अशोक चौधरी जी, विजय चौधरी जी, सब लोग यहाँ पर आए। उसके बाद संतोष सुमन जी को हम लोगों ने देखा, हम पार्टी से वो यहाँ पर आए। तो ये अपने में दर्शाता है कि जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, तमाम घटक दल एक दूसरे के साथ मजबूती से आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। और जो लक्ष्य हम लोग का 2025 का 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का, उस लक्ष्य को इसी एकजुटता और एकजुटता में ईमानदारी के साथ हम लोग पूरा करेंगे। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, किस तरीके से आप बधाई देंगे? ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने जनता का विश्वास जीतने में वो सफल रहे। क्या कारण रहे कि हम लोग का प्रदर्शन जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र में इतना बेहतरीन रहा, यहाँ पर किस वजह से हम लोग की चूक हुई, ये मंथन का विषय बढ़ा। संतोष मुझे इस बात का है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो एक सपना था कि पार्टी का विस्तार अलग राज्यों में भी और ख़ासतौर पर झारखंड, क्योंकि एक समय में बिहार झारखंड एक ही राज्य था, आज जब हम पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं तो सन 2000 में जब पार्टी बनी थी उसी साल झारखंड भी बना था। तब से उनकी इच्छा थी कि झारखंड में भी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक हो। चतरा से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है, तो ऐसे में मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे नेता के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे हम लोग बढ़े। ये चिराग जी, आप कह रहे हैं एनडीए में एकजुटता की बात कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष में की गैलरी में सदन में बैठने वाले चेतन आनंद मुझे आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, पर न भाजपा न जदयू के कोई नेता आपके पक्ष में कहीं खड़े दिख रहे हैं या उनके बारे में कोई टिप्पणी कर रहे हैं। पहली बात तो ये उनका अपना विषय है, क्योंकि वो जिन विषयों को लेकर वो ये सारा विवाद खड़ा कर रहे हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी वो तो आज हमारे साथ ही थे। बहरहाल बिना इस विवाद में गए हुए आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना, उप मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना, संतोष मांझी जी का यहाँ आना,
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में, ये अपने में मुझे लगता है संदेश देने के लिए बहुत है। और हम लोग को बार बार इस बात को प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको इस बात से तकलीफ़ ज़रूर होती है कि क्यों मेरे और मेरे मुख्यमंत्री के बीच में रिश्ते इतने सहज हो गए, क्यों NDA गठबंधन इतनी एकजुटता के साथ आगे चल रहा है। इस बात को लेकर संभवतः कुछ लोगों को तकलीफ होगी, वो उनकी परेशानी है। तो ये कुछ लोग कौन है, कुछ लोग कौन है NDA में जो उनको प्रेशर दे रहे हैं? जो लोग ये नहीं चाहते कि NDA गठबंधन एक साथ मजबूती से आगे बढ़े, वो लोग इस तरीके की बातें करके विवाद को खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।